क्या आप जानते हैं हमारी धरती इस सोलर सिस्टम की एकमात्र ऐसी प्लेनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। हम सब धरती पर रहते तो हैं लेकिन इसके बारे में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिनसे हम अवेयर नहीं हैं। तो मैं हूँ ई फैक्ट्स और इस वीडियो में मैं आपको धरती से रिलेटेड कुछ 7 ऑसम फैक्ट्स बताऊँगा। सो लेट्स एक्सप्लोर। नंबर 1, एज ऑफ द अर्थ। क्या आपने कभी सोचा हमारी धरती की एज क्या होगी? तो मैं बता दूं, हमारी धरती की एज 4.54 बिलियन ईयर्स है, यानी कि 454 करोड़ साल। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आई होगी कि साइंटिस्ट ने इसकी एज कैलकुलेट कैसे की। तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक से कैलकुलेट की है साइंटिस्ट ने इसकी एज। यह एक टेक्निक है जिसमें साइंटिस्ट किसी भी पत्थर या मटेरियल की एज बताते हैं। नंबर 2, टेम्परेचर ऑफ दी अर्थ। वैसे तो अर्थ की एवरेज टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगर हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करें तो आज तक की हाईएस्ट टेम्परेचर जुलाई 10, 1913 को डेथ वैली में रिकॉर्ड की गई है, जो कि 56.7 डिग्री सेल्सियस है। और लोएस्ट टेम्परेचर -89.2 डिग्री सेल्सियस है, जो कि 21 जुलाई 1983 को वॉस्टोक स्टेशन रसिया में रिकॉर्ड की गई है। नंबर 3, मॉडल ऑफ दी अर्थ। क्या आपको पता है जो पहले के साइंटिस्ट थे वो जियोसेंट्रिक मॉडल को मानते थे, और इस मॉडल के अनुसार धरती यूनिवर्स की सेंटर है और सन इसके चारों ओर घूमती है। फिर ये बंदा निकोलस कॉपरनिकस, इसने हेलियोसेंट्रिक मॉडल को प्रेजेंट किया जिसमें धरती सन के चारों ओर घूमती है। और ये तो हम सब जानते हैं कि जियो मॉडल गलत और हेलियो मॉडल बिल्कुल सही। नंबर 4, रिवोल्यूशन स्पीड ऑफ द अर्थ। क्या आपको पता है हमारी धरती सन के चारों ओर 30 किमी पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है, मतलब घूमती है, और आप भी इसके साथ ट्रेवल करते हो। और जब तक आपने मेरी ऑडियो देखी तब तक आपने 3690 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया है, और अभी भी आप ट्रेवल कर रहे हो उसके साथ, लेकिन इसे फील नहीं कर पा रहे हो, है ना ये कूल। नंबर 5, द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज़ ग्रेजुअली स्लोइंग डाउन। मतलब हमारे अर्थ की जो रोटेशन है वो धीरे धीरे स्लो हो रही है, और इसकी डी एक्सेलेशन रेट 70 मिली सेकेंड पर 100 ईयर्स है। लेकिन धरती की रोटेशन स्लो क्यों हो रही है? वो क्या है कि धरती मून से दूर खिसकती जा रही है लगभग 3.78 सेंटीमीटर्स पर ईयर के हिसाब से। इसीलिए धरती मून से जितनी दूर जाएगी उतनी इसकी रोटेशन स्लो होगी। इसीलिए जब चांद नया नया था तो धरती पर हर एक दिन लगभग 6-7 घंटे का होता था, लेकिन आज जब चांद धरती से इतनी दूर हो गया है इसीलिए आज हर एक दिन 24 घंटे की होती है, और फ्यूचर में इसकी ड्यूरेशन, मतलब एक दिन की ड्यूरेशन बढ़ के 25 से 26 घंटे हो जाएगी। नंबर 6, ओल्डेस्ट ट्री ऑफ द अर्थ। आपके हिसाब से दुनिया की सबसे पुरानी पेड़ कौन सी होगी? तो मैं बता दूं, दुनिया की सबसे पुरानी पेड़ है ब्रिस्टल कोन पाइन, जो कि 4845 साल की है। नंबर 7, ड्राइस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे सूखी जगह कौन सी है, तो हो सकता है आपका आंसर इंडिया में हो, लेकिन इसका आंसर इंडिया में नहीं है। इसका आंसर है अटाकामा डिज़र्ट। यह एक डिज़र्ट है जो कि चिली में है, और यही इस दुनिया का सबसे सूखा जगह है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया तो प्लीज़ कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो सो दैट ये नॉलेज दूसरों तक भी पहुंच सके। ये चैनल YouTube पे नहीं है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लो आप, इस बटन पे क्लिक करके या इसके नीचे वाले बटन पे क्लिक करके। फ्यूचर में आपको बहुत मज़ा आने वाला है।